संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और शुरुआत हुई नव नियुक्त सांसदों को शपथ दिलाकर, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, घनश्याम लोधी थे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। इन्हीं सांसदों में से एक दिग्गज क्रिकेटर रहे हरभजन सिंह भी थे, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। भज्जी के साथ साथ गौतम गंभीर भी हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। पिछले 3 साल से वो लोकसभा में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने दिवंगत दिग्गज अरुण जेटली की अगुवाई में बीजेपी का दामन थामा था, और क्योंकि अब दिल्ली में उन्हें सांसद के रूप में काम करते हुए काफी समय हो गया है, तो उनके काम को सराहा भी जा रहा है। एक सांसद के रूप में गौतम गंभीर शुरू से ही काफी एक्टिव है। ऐसे में बीच में क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने गौतम गंभीर के परिवार की भी चर्चा होती ही रहती है। अब जैसे फिलहाल चर्चा जोर शोर से फिर उठी है उनकी बेटियों के नाम की। 2017 के बाद फिर एक बार पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से मौजूदा सांसद गौतम गंभीर की बच्चियों के खूबसूरत नाम की चर्चा उठ गई है। कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने बेटियों को दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम दिया है। तो चलिए जान लेते हैं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की बच्चियों के प्यारे प्यारे नाम। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी अपनी बेटी के लिए बड़ा प्यारा और यूनिक नाम चुना है। साल 2014 में गौतम गंभीर के घर में पहली बार किलकारी गूंजी थी। गंभीर के घर में बेटी ने जन्म लिया था। नाम रखा था आजीन। आजीन एक अरबी नाम है जिसका मतलब होता है सुंदर। सच में गंभीर ने अपनी बेटी का नाम वाकई काफी सोच समझ कर रखा होगा, तभी तो दिल को इतना छू लेने वाला नाम ढूंढ पाए होंगे। इसी तरह जब गौतम गंभीर की दूसरी बेटी हुई तब उसकी भी खुशी गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया के जरिए साल 2017 में साझा की थी। गौतम गंभीर ने अपने फैंस के साथ इस खुशी को साझा किया था। बड़ी बेटी आजीन की एक तस्वीर बीजेपी सांसद ने साझा की थी, जिसमें वो अपनी छोटी नन्ही बहन को गोद में लिए हुए थी। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा था, दो छोटी छोटी राजकुमारियां जो हमारे दिलों पर राज करती हैं, आजीन और अनाइजा। आजीन का मतलब तो हमें पता चल गया। अब गौतम गंभीर की दूसरी बेटी अनाइजा के नाम का भी मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि अनाइजा भी आजीन से कम अनूठा नाम नहीं लग रहा। अनाइजा का मतलब होता है काबिले एहतराम, यानी कि सम्मानीय। देखा है ना अद्भुत नाम, ऐसे नाम जो किसी को भी एक झटके में भा जाए। आपको बता दें, गौतम गंभीर और नताशा की शादी अक्टूबर 2011 में हुई थी और आजीन का जन्म मई साल 2014 में हुआ था। एक वक्त ऐसा था जब विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के जोड़ीदार के रूप में टीम इंडिया का हिस्सा थे गौतम गंभीर। गौतम आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रहे हैं। 2 बार साल 2012 और 14 में टूर्नामेंट जीता भी है। वही टीम इंडिया की वर्दी में गौतम गंभीर साल 2016 में आखिरी बार देखे गए थे, जब वो इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पिच पर उतरे थे। फिलहाल वो अपने सांसद होने के दायित्व को खूब अच्छे से निभा रहे हैं और साथ ही यकीनन अपनी दोनों बेटियों, जिनके बेहद ही प्यारे नाम हैं, उनके लिए भी समय निकाल रहे होंगे। वैसे गौतम गंभीर की बेटियों के नाम और साथ ही नाम का मतलब जानकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।